हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पतली धार से आपको यूरिन आ रहा है, यूरिन पास आपको अगर बहुत पतली धार से होता है तो उसके क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं। तो दो तीन कमेंट्स हैं जिनमें इस तरह की समस्या देखी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको तीन चार कारण बताऊँगा जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी जाँच करवाइए जिससे कि कारण का पता लग सके कि आपकी बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर देखिए, अगर दो तीन बार ऐसा हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू में हर बार अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आपको प्रेशर से आ रहा है लेकिन आप जाते हैं तो आपको बहुत पतली स्ट्रीम आती है, बहुत पतली धार आती है, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ से चलते हैं तो आता है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के अंदर कौन कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं तो उसी के लिए है। अगर यूरिथ्रा के अंदर सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए उस नली में, तो पेशाब की धार जाहिर सी बात है खुल के पेशाब नहीं आएगा, अटक अटक के आएगा या फिर कुछ ऐसी सेंसेशन होगी कि बहुत पतली धार आ रही है, ठीक है, थिन स्ट्रीम आ रही है। तो कारण है कि यूरिथ्राइटिस हो सकती है पेशेंट को, कि यूरिथ्रा में किसी कारण की वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा हुआ है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन ऐसा हुआ है जिसमें वहाँ पर यूरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन आ गई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम उसको हो रही है। मेडिसिंस लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, वो कंडीशन उसकी ठीक हो जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेकंड, उसी की बीमारी आती है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट के यूरिथ्रा के अंदर थोड़े थोड़े घाव बनने शुरू हो जाते हैं और कई बार सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से भी लोगों को इस तरह की समस्याएँ सामने आती हैं। तो ये होगी दोस्तों यूरिथ्रा की। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आता है प्रोस्टेट, जिसको हिंदी में गदूद बोलते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए, देखा जाता था पहले के लगभग 40 प्लस में जाके ऐसा होता था, बट अब जो यंग एज के लड़के हैं उनके अंदर भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और क्वालिटी फैक्टर उसका कुछ भी हो सकता है, कि चाहे उन्होंने बालों की मेडिसिन ली हो, अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की मेडिसिन ली हो, तो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनके प्रोस्टेट एनलार्ज हो गए हैं और जो हमारी यूरिथ्रा है उस पर प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से उनको थिन स्ट्रीम आ रही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में भी इस तरह की समस्या को देखा जा सकता है। और डीप में चलते हैं और अंदर चलते हैं, जो क्या था हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी दो तीन समस्याएं हो सकती हैं कि बहुत पतली धार आ रही है। पहली समस्या हो रही है कि वहाँ पर कोई स्टोन है या फिर कोई क्रिस्टल्स ऐसा आके फंसा हुआ है जो कि उसकी ओपनिंग को बंद कर रहा है, ठीक है, कि जो बाहर का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके के केस में भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे जांच करते हैं तो यूरिथ्रा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोस्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लैडर के अंदर कुछ स्टोन्स पड़ी हुई हैं, वो छोटी छोटी स्टोन्स हैं या फिर क्रिस्टल्स हैं, और ऊपर दोनों किडनीज में भी स्टोन्स हैं। तो डायग्नोस हो चुका है तो आप आराम से मेडिसिन लेंगे स्टोन की, तो ये कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी। ब्लैडर के अंदर ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी और समस्या हो सकती है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही हो, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, उसकी वजह से इस तरह का परेशानी पेशेंट को हो सकती हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी दोस्तों और समस्याएं, दो तीन समस्याएं मोटी मोटी हो सकती हैं देखा जाए तो। यूरिनरी कैंसर हो सकता है, मतलब ब्लैडर कैंसर हो सकता है, और यहाँ पे सिस्टाइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। और नेक्स्ट आता है इसमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या नहीं मिल रही है, बट प्रेशर से पेशाब तो आ रहा है लेकिन वो पूरा जो प्रेशर से बाहर जाना चाहिए, आउटपुट मिलनी चाहिए, यूरिथ्रा से पास होना चाहिए, तो बट वो यूरिनरी ब्लैडर उसको पास नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के उसकी मांसपेशियाँ कमजोर हो गई, या फिर जनरल भाषा में आप इसको बोल सकते हैं कि उसकी नसें कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से वो पूरा पेशाब एक बार में बाहर नहीं निकाल रहा है, या फिर उसका जो प्रेशर है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो यूरिथ्रा में और प्रोस्टेट में और यूरिनरी ब्लैडर में इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ब्लैडर के अंदर न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स के अंदर हम देखते हैं तो पेशेंट को कोई इंजरी हुई हो, कोई बैक इंजरी हुई हो कि कमर में चोट लगी हो, या फिर कोई ब्लैडर इंजरी हुई हो उसके बाद इस तरह की समस्याएं हो गई हो, या फिर उसकी कोई सर्जरी हुई हो उसके बाद भी इस तरह की समस्याओं का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। इनके अलावा रेयरली कॉजेज हम देखते हैं तो स्टोन मैंने आपको बता दिया, यूटीआई मैंने आपको बता दिया, इसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें मैंने आपको कैंसर भी बताया है, चाहे वो प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है और यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में बेटर यही है कि आप कुछ दिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेके देख सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके देख सकते हैं, और नहीं तो आप यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं।
और वो प्रॉपर आपकी टोटल जांच करेंगे। उनके पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा सकता है कि आपको कितने प्रेशर से पेशाब आ रहा है, कहीं आपको दो धार वाला पेशाब तो नहीं आ रहा है, और क्या क्या सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।